सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। इस वीडियो में आ गया हमारे पास एक और वाईफाई कैमरा, जो इस बार हमारे पास है सीमोस ब्रांड की तरफ से। और ये कैमरा है वो जो आज हम लेके आए हैं, सीमोस ब्रांड की तरफ से है ये। इसका जो एप्लीकेशन है वो भी सीमोस के नाम से ही आता है, आप देख सकते हैं सीमोस एप्लीकेशन पर ये वर्क करता है। और कैमरा काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ आता है और काफ़ी लुक में भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं भी आपको दिखाऊंगा इसको अनबॉक्स करके और दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और क्या क्या फीचर आपको इसमें मिलते हैं। काफ़ी सबसे पहले कैमरे की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है हमारा कैमरा जिसको हम अभी अनबॉक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैमरे के डिब्बे के अंदर एक डिब्बा और हमें मिलता है, जो कि एसेसरीज़ का डिब्बा है हमारा। इस डिब्बे में हमें क्या क्या मिल जाता है देखते हैं। इसमें हमें एक अडेप्टर मिलता है जो एज़ यूजल 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का है। और एक मिलती है डेटा केबल जो आलमोस्ट 1.5 मीटर की रहेगी। और ये कुछ यूज़र मैनुअल आपको मिल जाते हैं। और ये वॉल माउंटिंग के लिए दिया गया है, कुछ स्क्रूज और कुछ पेच वगैरह दिए गए हैं, गिट्टी दी गई है, इसको आप सीलिंग पे हैंग कर सकते हो। और गाइस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है कुछ ये प्लास्टिक ट्रेस दी गई हैं ताकि कैमरा अच्छे से फिट रहे डिब्बे के अंदर, कोई डैमेज ना हो। फाइनली ये हमें मिलता है हमारा कैमरा और बाकी डिब्बा खाली। डिब्बे में और कुछ नहीं, डिब्बे को रखते हैं एसेसरीज को रखते हैं साइड में। सो गाइस ये हमें कैमरा मिल जाता है। मैं अभी आपको कैमरे का फिज़िकल ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आपको कैमरे में नीचे मिलता है इस क्लिप को लगाने के लिए, कुछ इस तरीके से हुक हो जाता है। और यहाँ पर हमारा कैमरा लेंस मिलता है और यहाँ पर एक हमारा माइक्रोफोन मिलता है और यहाँ पर हमारा स्पीकर ग्रिल मिलता है। और ये हमारा DC पिन इन करने के लिए स्पॉट दिया गया है। और हमारा यहाँ पर अगर इसको हम कैमरे को नीचे थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर एक रीसेट बटन हमें मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर मेमोरी कार्ड डालने के लिए हमें स्लॉट मिल जाता है। ये हमारा कैमरे का ओवरव्यू है, फिजिकल ओवरव्यू हो गया हमारा। अभी हम देखते हैं कि डिब्बे पे हमारा बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन ट्रैकिंग एंड अलार्म, ह्यूमन ट्रैक करता है और अलार्म इसमें साउंड करता है। स्पीकर एंड माइक्रोफोन, नाइट विजन 5 to 10 meter, माइक्रो SD कार्ड रिकॉर्डिंग, फ्री ऐप फॉर स्मार्टफोन, P2P प्लग एंड प्ले सेटिंग फ्री। और यहाँ पर कुछ वाईफाई, P2P, टू वे टॉक इंटरकॉम, डे एंड लाइट मोड, पैन टिल्ट। यहाँ पर ये हमारी जो ऐप है सीमोस, ये ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है, एप्पल के ऐप स्टोर पर और गूगल प्ले पर भी ये अवेलेबल है। हमें एंड्रॉयड और iOS दोनों में ही काम करेगी। चलिए चलते हैं कैमरे को और कनेक्ट करते हैं फटाफट से। सो गाइस मैं कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपना पावर बैंक और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि ये पावर बैंक से भी कनेक्ट हो सकता है, आप देख सकते हैं ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। कैमरा भी ये ऑन हो चुका है, इसमें ब्लू लाइट ब्लिंक हो गई है। सो गाइस अभी हम इसको रीसेट कर लेते हैं। ये एक साउंड आपको सुनाई दी होगी, ये रीसेट हो गया है अभी हमारा कैमरा। सो गाइज अब हमें अपने फ़ोन पर जाना पड़ेगा। आपका फ़ोन कोई भी एंड्रॉयड या iOS कोई भी हो, आप दोनों में ये ऐप डाल सकते हैं। सो हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके सीमोस, CMOS, सीमोस के नाम से ऐप आएगी, आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सीमोस यहाँ पर आ चुका है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे फ़ोन में पहले से ही ऐप इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन मैंने यहाँ पर कर लिया है और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन का पेज आएगा।
सो गैस यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है आपके फ़ोन में। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो साइन अप करने के लिए ऑप्शन रहेगा, आप उसको साइन अप कर सकते हो मेल आईडी से या फ़ोन नंबर के थ्रू। साइन अप करना इजी होता है, रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको जाना होगा और आप उससे अपने फ़ोन नंबर या मेल आईडी डाल करके उस पर OTP आएगा, वो डाल करके इसको साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद में आप उसको उसी को दोबारा से डाल करके जो भी आपने फ़ोन नंबर या मेल डाला होगा और पासवर्ड बनाया होगा आप उसको वहाँ पर डाल के लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद में आपका ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में फ़र्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो पहला कंडीशन आपने इसमें वाईफाई देने के लिए वाईफाई आपके पास होना चाहिए। आप इसको वाईफाई कोई भी दे सकते हो, जो वायर वाले वाईफाई आते हैं वो, या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू। हॉटस्पॉट आप किसी तरीके से दे सकते हो, अपने फ़ोन के थ्रू भी दे सकते हो, या जियो के राउटर आते हैं छोटे वाले उनके थ्रू भी दे सकते हो, या फिर जैसे भी आपका वाईफाई लगा होगा आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट वाईफाई इसका इसके पास होना चाहिए, हमेशा इसके रेंज में होना चाहिए। रेंज टेस्ट करने के लिए आपको वाईफाई जहाँ पर ये कैमरा लगाना है वहाँ पर जाना है और अपने फ़ोन में आपने वाईफाई कनेक्ट करना है और उसमें यूट्यूब चलाना है। अगर उस पर वीडियो कोई अच्छी सही चल रही है तो आपका वहाँ पर नेटवर्क सही आ रहा है, वहाँ पर आप इसको कैमरे को प्लेस कर सकते हो। तो चलते हैं अपने फ़ोन पे और देखते हैं। अब आपने इस तरीके से फ़ोन में लॉगिन कर लेना है और कैमरे को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर प्लस के साइन पर जाना है। आप यहाँ प्लस Device powered on. Scan the QR code on the device or on the monitor. इस ऐप में एक आपको फैसिलिटी मिलती है कि इसमें हर स्टेप पे एक वॉइस आपको सुनाई देगी, वो ये बताएगी कि आपको क्या करना है। आप उसको ध्यान से सुनेंगे तब भी आप कर सकते हो, बहुत इजी हो जाता है करना। तो अभी ये कह रहा है कि डिवाइस आपका पावर ऑन होना चाहिए और आपको इस कैमरे पे प्रिंट QR कोड को स्कैन करना होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैमरे पे एक QR कोड यहाँ पर ही प्रिंट होता है, आप देख सकते हैं इसको स्कैन करना होता है। तो मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे कैमरे को स्कैन कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे जाता हूँ। आपको थोड़ा वेट करना है, अभी इसमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। Please follow coming steps carefully to connect your mobile to the camera's Wi-Fi. Then, return to this app for further steps. On your phone, please go to settings Wi-Fi. On your phone, please go to settings named with IPC. आपको गो टू सेटिंग में जाना है और यहाँ पे अपने IPCS5B समथिंग करके ये कैमरे का वाईफाई यहाँ पर शो हो गया है, इसको दिखा रहा है। आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हो IPC के नाम से आता है, ये कनेक्ट हो चुका है। Select how you want the camera connected. अब To आप देख connect the सकते हो कि camera कैमरा to यहाँ पे कनेक्ट हो internet, चुका है। select a remote view. To यहाँ connect पर the camera directory to your mobile without internet, select direct to connection. दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा रिमोट व्यू, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट कनेक्ट या रिमोट व्यू। ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। रिमोट व्यू होगा कि अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कर देते हो तो कहीं से भी देख सकते हो, और एक होगा डायरेक्ट कनेक्ट। डायरेक्ट कनेक्ट ये होता है कि आप जो IPC समथिंग इसका कोड दिखाता है आप उससे कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, उसमें आप 10-12 मीटर तक ही देख पाओगे। तो आप रिमोट व्यू कनेक्ट कर लो अपने वाईफाई से, जिससे आप कहीं से भी इसको देख पाओ। रिमोट व्यू कनेक्ट करने के लिए Please रिमोट व्यू select करना है, your Wi-Fi अपना and जो भी provide वाईफाई your होगा वो यहाँ Wi-Fi पे password. आपको डाल लेना है। नहीं, अगर आपका वाईफाई शो हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक रिफ़्रेश का एक बटन भी ये दिखता है, रिफ़्रेश आप इसे करके अपने वाईफाई को सर्च कर सकते हो, सर्च हो जाएगा तो आपने वाईफाई का पासवर्ड यहाँ डाल लेना है और फिर यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म कर देना है। Connecting. Network configuration may take 1 to 2 minutes. Please wait. अभी वेट करना होगा आपको, 1 से 2 मिनट का वेट आपको यहाँ पर करना The होगा। wireless connection is successful.
कैमरे में से अभी हमारी साउंड एक आया है कि वायरलेस कनेक्शन सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर हमारा कैमरा कनेक्ट हो चुका है। अभी आपको वेट और करना है 1 मिनट का। Network configuration is successful. Please tap continue to name the device and set a password. यहाँ पर आपने कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेना है अपने कैमरे का और ये कंटिन्यू इसको कर देना है। The device has been set up. हमारा डिवाइस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इसको प्ले कर लेते हैं। प्ले मैंने कर लिया है, इसको मैं नेविगेशन बटन से अप डाउन इसको कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है, एक एक नंबर की क्लैरिटी यहाँ पर हमें मिल रही है। इसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी इसमें हमें मिल रही है। सो गाइज, यहाँ पर कुछ बेसिक फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें यहाँ पर SD का ऑप्शन आता है, आपने SD से HD में कर लेना है। ये HD में आपने कर लेना है, HD ये सेलेक्ट हो गया तो काफ़ी क्लैरिटी में डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद में आपको काफ़ी इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर ये प्लेबैक का ऑप्शन आता है जो कि रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए आपका होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कर्सर आ गया है और ये टाइम आ गया है। जिस टाइम पे आपने देखना है उस पर लाके कर्सर को छोड़ दो, वहाँ का रिकॉर्डिंग दिखाएगा। और यहाँ पर आपको टाइम शो हो रहा होगा कि इस टाइम की रिकॉर्डिंग देख रहे हो आप, और यहाँ पर डेट शो होगी। आप डेट पर जाओगे तो यहाँ पूरा कैलेंडर खुल जाएगा, जिस डेट की आपने देखनी रिकॉर्डिंग वो टाइम आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर टाइम, डेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको टाइम सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रियल टाइम में जाना है वापस, ये रियल टाइम का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जाओगे रियल टाइम में आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने साउंड इसका ऑन कर देना तो आपको इसकी साउंड सुनाई देने लगेगी। साउंड बंद कर सकते हो आप, और इसमें आपको बोलने के लिए रहेगा कि आपने किस तरीके से बोलना है। सो गाइज, अगर आपको टू वे टॉक करना है, इसमें आपने बोलना चाहते हो कि आप बोलो तो कैमरे में से साउंड आए, उसके लिए आपको ऑप्शन है, यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये एक बैक का साइन यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपको ऑप्शन खुल जाएंगे माइक्रोफोन का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आपको एक ऑप्शन और आएगा, एक और ऑप्शन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो अलाउ करना है, अलाउ कर लेना। उसके बाद में ये आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप इसमें टॉक कर सकते हो। ये साउंड है सुनने के लिए कि कैमरे में से क्या आवाज़ आ रही है वो आपको फ़ोन में सुनाई देगी। और आपको बोलना है तो प्रेस टू टॉक यहाँ पर आप कर सकते हो, प्रेस टू टॉक। हेलो हेलो हेलो, आप देख सकते हो काफ़ी लाउड इसमें साउंड है, काफ़ी अच्छा साउंड है कैमरे में। हेलो 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 हेलो, काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है। अभी कैमरा फ़ोन के पास है तो ये इको कर रहा है, थोड़ा दूर रहेगा, डिस्टेंस रहेगा तो काफ़ी अच्छा इसमें साउंड आपको मिलेगी, सुन भी सकते हो। हेलो 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 हेलो, पुश टू टॉक सिस्टम है। यहाँ पर हैंग अप का ये ऑप्शन आता है, ये आप कर दोगे तो आपको सुनाई देगा, यहाँ से बंद कर लोगे। वापस से PTZ के ऑप्शन पे जाना है तो ये आप ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो।